आपको सुन के मजा आ जाएगा। 2 मिनट का ब्रेक, आपको बहुत मजा आएगा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ऋषभ कोठारी एंड जनरल। कम ऑन ऋषभ, वेयर आर यू? मुझे कोई जानता नहीं है तो मैं तालियां तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं अगर कोई यहाँ पर है तो उन्हें पता है कि ये दिन भर बस मजाक मस्ती में निकाल देते, ऐसी बातें करता नहीं है जो आज करने वाला है। पता नहीं क्यों, कुछ दिनों पहले या पिछले कुछ सालों से हमारे देश में कुछ कुछ ऐसा हो रहा है कि हिला के रख दिया उसने मुझे। मेरे अंदर से कविता तब ही निकलती है जब कुछ होता है जो बार बार यहाँ चुभता है। सो आई वॉन्ट योर अटेंशन। क्यों उसका नकाब क्यों जरूरी है तुझको औकात में रखने के लिए? हमेशा उसे ही क्यों कहते हैं एहतियात बरतने के लिए? हाँ तू तुझे साले खुद को मर्द बताता है, हर अंधेरी गली में औरत को तेरा डर क्यों सताता है? पता है रिश्ता तूने बदन को छुआ था उसके, उसको खुद से घिन आने लगी थी, रूह कांप उठी थी उसकी, रातों की नींद आने लगी थी। कब तक तेरी बेशर्मियां सहेंगी, मेरी बात लिख के रख ले अभी औरतें चुप नहीं रहेंगी। सर झुका के चलना अब तो तू भी सीख ले, वरना तुझे जलाया जाएगा फिर साले जितना चाहे चीख ले। वो छोटे कपड़े पहने या कपड़े ही ना पहने, तू लंगोट को तेरी बांध के रख, उसने मना किया ना तो बस खिसक। हालात है तेरे अब कितना नीचे गिरेगा, वो दिन दूर नहीं जब तू सड़कों पे तड़पता मिलेगा। छोटी थी चिंगारी अब आग बनने लगी है, औरत जो अब तक शांत थी बोलने दहाड़ने लगी है। देर हो गई है बहुत, अब तक तो क्या कुछ नहीं हो जाना था, सूली पर चढ़ने का इंतजार है और तुझे तो उसी वक्त मर जाना था। उस पल जब तेरे जहन में उसे छुपने की बात आई थी, उस पल जब उसने तुझसे नजरें चुराई थी, उस पल जब तेरी हवस ने तेरे कदमों को रुकने से मना कर दिया था। इतनी बदतमीजी, इतनी बदतमीजी, कानून ने फिर भी तुझे लाकर बस कट घरे में खड़ा कर दिया था। नाबालिग को फांसी देने से अंधे कानून ने मना कर दिया था। बालिग नाबालिग ये सब बकवास है, तुम बस समाज पर कालिक हो, या मेरी आवाज तेरे खिलाफ चाहे जितनी भी बारीक हो, चाहता हूं अगली अदालत में वो तेरी आखिरी तारीख हो। डर से गला तेरा भी तो सूखे, बच ना पाए कोई हैवान तेरी तरह औरत को छूके। अब नया भारत चाहिए जो रात में भी डराए नहीं, औरत अकेली हो तब भी जरा भी घबराए नहीं। अगर मुझे सुन सकता है कोई जिसके हाथ में ताकत है, शायद आपको मुझे हम सबको पता है न्याय व्यवस्था पे लानत है। इनकी हिम्मत बढ़ रही है, इन नामर्दों को अब सिखाना पड़ेगा। जो एक रात में देश बदल सकते हैं उनको भी कानून बदल के दिखाना पड़ेगा। हाँ तू तो जो सारे खुद को मर्द बताता है, हर अंधेरी गली में औरत को तेरा डर क्यों सताता है? इस नौजवान की उम्र 21 साल से भी कम है, अगर आज हमारा यूथ ऐसे विचार रखता है तो ट्रस्ट में भारत बहुत अच्छी तरफ जा रहा है, ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे हर इंसान अपने सोचेगा कि ये जो विचार है ये सही है और यही सबको अपनाना चाहिए। वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, ऋषभ कोठारी। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू सो मच यार।